सकते हो, माइक एडजस्ट हो चुका है। अगर आपको कैमरा रिकॉर्डिंग अगर आपको ऑन करना है तो एक अच्छे से प्रोफेशनल से आप कितने भी स्पीड में चलाओ कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप लोग बोलते हो कि विंड नॉइज जो माइक को कैसे एडजस्ट करें, बोले कैसे, आवाज़ नहीं आता है, ये वो, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो हमारा एक प्रोफेशनल तरीके से एडजस्ट हो चुका है, आराम से आप फोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो गाइज मैंने हेलमेट लगा लिया, यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब कुछ सेटअप कर रखा है, और माइक वगैरह भी आप लोग देख सकते हो नीचे में सेटअप हो रहा है, इतना क्लियर आवाज़ आ रहा होगा, किसी तरह का नॉइज नहीं। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग, सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ यार कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे कमेंट आ रहा था वीडियो पे, जो मेरे कंप्लीट मोटो ब्लॉग सेटअप से करके जो मैंने वीडियो डाला उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि विंड नॉइज़ को कैसे रोके, विंड नॉइज़ को कैसे रोके, जो रिकॉर्ड करते वक्त जो एयर आता है उसे कैसे रोके, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, तो माइक का सेटअप कैसे करे, बहुत सारा मैं प्रॉब्लम देख रहा था। तो सोचा क्यों नहीं कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं आ गया एक नई स्पेशल वीडियो लेके, जो मैं जितना भी प्रॉब्लम्स हुई है और जितने भी कमेंट्स आप लोग के आए हैं सब कुछ मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और मैं आज एक्शन कैमरा का बताऊंगा पूरा फुल मोटो ब्लॉग सेटअप, कि कैसे आप एक एक्शन कैमरा का सेटअप कर सकते हैं, माइक एडजस्ट सब कुछ, और कैमरा व्यू भी दिखाऊँगा। तो जल्दी से पहले सेटअप वेटअप कर लेते हैं। मेरे पास अभी जो कैमरा है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मेरे पास SJKM 6 लेजेंड कैमरा है, जो बेस्ट बजट में आती है एक्शन कैमरा के, आप ले सकते हो, तो परचेज कर सकते हो। अगर आप कम बजट स्टार्टिंग करना चाहते हो तो वो ले सकते हो। तो जितनी भी प्रॉब्लम है सबको मैं क्लियर करता हूँ। तो चलते हैं जल्दी से अब वीडियो में आगे, मैं आपको फुल सेटअप करके सब कुछ मैं दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो गाइज, हमारे पास मैंने सब कुछ यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, सब कुछ मैंने रख लिया। यहाँ पे हमारे पास हेलमेट है, एक माउंट है, और एक एक्शन कैमरा जो मैंने आपको बोला SJKM 6 लेजेंड, वो एक्शन कैमरा है। ये हमारे पास देख सकते हो SJKM की माइक है। तो मैंने सब कुछ ले लिया है, मैं आपको आज अच्छे से करके बताऊंगा, माउंट वाउंट सब कुछ हेलमेट में सेटअप करके बताऊंगा कि कैसे सब कुछ सेटअप करना है, और बहुत ही कम बजट में आप एक अच्छा प्रोफेशनल टाइप का एक वीडियो बना सकते हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये देख सकते हो माइक में सब कुछ के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं माउंट पर आता हूँ। माउंट को हम अच्छे से पहले हेलमेट में सेट करेंगे, सेट करने के बाद उसके बाद फिर हम कैमरा को सेट करेंगे, कैमरा सेट करने के बाद ये माइक आएगा, माइक को हम हेलमेट में सेट करेंगे, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको जरा सा भी वॉइस की जो विंड नॉइज ये सब की जो प्रॉब्लम आती है, जरा सा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जल्दी से मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। हम आते हैं पहले माउंट पे। एक्शन कैमरा का जो माउंट है, मैंने इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और जिस लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है कंप्लीट मोटो ब्लॉग सेटअप की फर्स्ट वीडियो, वो जाके पहले कंप्लीट मोटो ब्लॉग सेटअप का फर्स्ट वीडियो मेरा देखे जाके, उस पर मैंने डिटेल में सब कुछ बता रखा है कि कैसे क्या सेट करना है, इसको आप कहाँ से परचेज कर सकते हो। वैसे तो मैं इस वीडियो में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो अगर कोई फ़ोन से मोटो ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं तो मेरी जाके कंप्लीट मोटो ब्लॉग सेटअप करके मैंने फ़ोन से वीडियो डाल रखा है, या फिर फ़ोन से मोटो ब्लॉग सेटअप कैसे कर सकते हो उस पर मैंने पूरा बटा रखा है। और इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा एक्शन कैमरा से आप कैसे पूरा फुल डिटेल में सेटअप कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं SJKM 6 लेजेंड के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही कम बजट, बहुत ही तगड़ा ये है कैमरा, इसके बारे में फुल डिटेल दूंगा। ये 16 मेगापिक्सल का आता है, और इसकी प्राइस मार्केट प्राइस आपको 10,000 11,000 साढ़े 11,000 में आपको ये मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको 10,000 में मिल जाएगा, और ऑफलाइन अब अगर मार्केट में भी 10 से 11,000 में आप लोग को मिल जाएगा। मुझे तो ये अच्छे प्राइस में, कम बजट में ये डिस्काउंट पे मिला था। तो आप करोल बाग या कहीं भी जाके, अगर दिल्ली से हो तो करोल बाग में, या फिर कहीं भी आपको इजीली SJKM ऑनलाइन या ऑफलाइन आप परचेज कर सकते हो। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताना, अगर आपको इसके बारे में फुल वीडियो चाहिए, अनबॉक्सिंग चाहिए, तो मैं इस कि SJKM 6 लेजेंड के अनबॉक्सिंग वीडियो में डाल दूंगा, इसमें क्या क्या मिलता है अंदर, एक्सेसरीज वगैरह और क्या क्या इसमें आता है। हाँ, लेकिन ये माइक वाइक नहीं आता, लेकिन इसमें बहुत कुछ आता है, वो फुल वीडियो में आप लोग बोलोगे तो मैं फुल वीडियो अनबॉक्सिंग करके मैं SJKM 6 लेजेंड का मैं दिखा दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो फिलहाल तो आज की वीडियो में पहले ये सेटअप करके बताता हूँ मैं, और फिर हम आते हैं SJKM माइक जो होता है ये आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। ये ऐसे तो आता है 2500 इसका ये रहता है, प्रिंट रहता है, बट आपको डिस्काउंट पे ये मिल जाएगा 1700-1800 में आपको ये माइक मिल जाएगा आपको। याद रखना SJKM 6 का एक पहले माइक और आता है, वो माइक मत लेना, वो बहुत ही वर्स्ट होता है माइक। मैंने इससे पहले वही माइक लिया था, बिल्कुल एकदम बकवास होता है माइक, उसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइज आता है। ये माइक फिर भी बहुत सही है, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, यही माइक लेना। तो मैं सब चीज़ का फुल रिव्यू मैं दे दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं SJKM 6 का पूरा जितना भी होता है इसके अंदर क्या क्या आता है सब कुछ का मैं अनबॉक्सिंग करके मैं वीडियो दिखा दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग को भी अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए एक्शन कैमरा SJKM 6 की नहीं।
तो मैं वह करूँगा। तो फिलहाल तो जल्दी से पहले हेलमेट में सेटअप वगैरह करते हैं, सेटअप वगैरह करके मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ और कैसे माइक वाइक सेटअप करना है। तो जल्दी से पहले सेटअप, तो ये रहा हमारा माउंट और ये रहा हमारा हेलमेट। पहले इसके यहाँ पे फिट करते हैं पहले माउंट को। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ यार, एक हाथ से सेट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को करने में। तो ये देख सकते हो, ये इसके अंदर ये जो है ना, इसके अंदर ये जो धागा लगता है ना, ये धागा लगा के इसे सेटअप करना होगा इसके अंदर। तो ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, आप लोग ध्यान देना। ये जो होता है ये एयर के लिए जो होता है ना, इसे बंद ही रखना ताकि आपको अंदर माइक जब एडजस्ट करोगे ना तो ताकि अंदर कोई एयर नहीं आएगा, तो इसे बंद रखना। तो इसे जल्दी से पहले यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। ये देख सकते हो गाइज, हमारा माउंट सेटअप हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से, देख सकते हो। तो हमारा माउंट अच्छे तरीके से मैंने सेटअप कर दिया है। तो अब माइक, हमें पहले माइक सेटअप कर लेते हैं, पहले माइक लगा लेते हैं इसके अंदर, फिर माइक सेटअप करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि माइक आप लोग को कहाँ पर सेटअप करना है और कहाँ पर इसे रखना है कि ताकि आप लोग को आवाज़ अच्छे से आए। काफ़ी अजीब लगता है ना अरे देखने में माइक। चलो कोई नहीं, जल्दी से पहले इसे सेटअप करते हैं। ध्यान देना कि अगर आपका हेलमेट अगर खुलने वाला है तो आप यहाँ से इजीली ऐसे खोल के इसके अंदर करके माइक सेटअप कर सकते हो और ये पूरा खुल जाता है। जैसे खोल के आप अंदर माइक सेटअप कर सकते हो, आपको माइक जो ये है ना, ये माइक को आपको यहाँ पे रखना है ताकि आपके माउथ के पास रहे। और ये जो होता है ना, ये विंड नॉइज के लिए होता है, मैं इसके बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगा। यही लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पहले इसे अच्छे से पहले यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। तो जल्दी से पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा हेलमेट नहीं होगा ओपन होने वाला, तो आप लोग यहाँ पर वायर को अच्छे से बांध के अच्छे से करके इसको माइक को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो मैं जल्दी से पहले इस टाइप का, अगर आपके पास हेलमेट होता तो सही है, मैं जल्दी से इसके अंदर पहले मैं एडजस्ट करके करता हूँ। ये सिर्फ हल्का सा जो इसका जो लगने का जो वायर है ना, ये बाहर रहेगा और ये माइक बाहर रहेगा, बाकी इसके इतना वायर है ना तो इसके अंदर जाएगा। तो मैं जल्दी से पहले इसे सेटअप करके मैं आप लोग को, ये देख सकते हो गाइस, मैंने माइक भी एडजस्ट कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका वायर सारा अंदर डाल दिया और ये जो कैमरा में जो लगेगा प्लग, बस इसका प्लग मैंने बाहर निकाल दिया और माइक को मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो सब कुछ देख सकते हो, मैंने अच्छे से सेट कर दिया, जरा सा भी पता नहीं चल रहा। सिर्फ हल्का सा जो ये वायर जो है, जो वायर ये आगे निकल के सिर्फ यहाँ पे जो होता है ना, हल्का सा ये वायर जो है जो सिर्फ आगे निकल के यहाँ पे लगेगा और एक्शन कैमरा में लगेगा। और ये जो है ना, इसको आपको माउथ के पास ही रखना है ताकि अच्छे से आप बोलो जो आवाज़ कवर कर सके, वॉइस कवर कर सके। तो सब कुछ तो मैंने कर लिया, माउंट भी लगा लिया, माइक भी सेट कर। तो जल्दी से हम पहले कैमरा को सेटअप कर लेते हैं, जल्दी से इसे निकाल लेते हैं, निकाल के फिर हम कैमरा को यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस टाइप से आपको देखना, ये लगा के आपको इस टाइप से, इसका एक आता है वाटरप्रूफ आता है, वो भी आप लगा सकते हो, ऐसे तो यही सही रहता है। तो इसे लगा लेते हैं ताकि इसको यूज करने में सही रहता है, आप अच्छे से यूज कर सकते हो। तो इसे लगा के आप यहाँ पे इसे अच्छे से देख के लगा दो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, अकेले करना बहुत मुश्किल है। अकेले में फ़ोन पकड़ के मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अकेले मैं सब कुछ कर भी रहा हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करो अपने भाई को। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर करके मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। जो प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूँ, जो प्रॉब्लम मैंने झेला है, वो प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो, तो सपोर्ट करो। तो ये देख सकते हो मैंने लगा दिया, इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ये जो होता है इसे ऊपर रखना अच्छे से एडजस्ट करके ताकि किसी तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखो मैंने कर दिया, लोग देख सकते हो लग चुका है ये यहाँ पे हमारा, पूरी तरह से देख सकते हो आप लोग एडजस्ट हो चुका है। हमारा माउंट भी एडजस्ट हो चुका है, कैमरा भी, और यहाँ पे हमारा माइक भी एडजस्ट हो चुका है। कितना इजी है यार, सब कुछ इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा आपको कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से पहले इस कैमरा को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है, यहाँ से आप इसका दो बटन इधर रहता है ना, यहाँ से एक से ऑन होता है, यहाँ से सेटिंग कर सकता है होता है। अगर आप लोग इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो मैं पूरा फुल सेटिंग में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले तो जल्दी इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, ये देख सकते हो ऑन हो चुका है, ये ऑन हो चुका है, यहाँ पर रेड लाइट चल रही है, ऑन हो चुका है। पहले तो इसका माइक अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माइक को आप लोग देख सकते हो, माइक यहाँ पे लगाने का है, तो
तो माइक को पहले यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। तो हमने माइक एडजस्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। माइक जब भी आप लोग एडजस्ट करोगे तो बीजी करके आएगा, तो समझना कि आप लोग का माइक एडजस्ट हो चुका है। तो ये देख सकते हो माइक एडजस्ट हो चुका है। अगर आपको कैमरा रिकॉर्डिंग अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, ये ऑन हो चुका है। और ये हमारा देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लाइट जल रहा है, जिसको लोग रिकॉर्डिंग ऑन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये देख सकते हो आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो देखो रिकॉर्डिंग ऑन है। तो हमारा हो चुका है पूरा, तो ये देख सकते हो हमारा पूरा सेटअप हो चुका है एक अच्छे से प्रोफेशनल से। आप कितने भी स्पीड में चलाओ कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप एडजस्ट हो चुका है। तो जल्दी से मैं पहले आप लोग का जो मेन जो विंडो नॉइज करके जो आप लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसके लिए मैं जल्दी से मैं उसे क्लियर। तो ये देख सकते हो हमारा एक प्रोफेशनल तरीके से एडजस्ट हो चुका है, आराम से आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी एकदम कम बजट में कर सकते हो। तो मैं आपको जो इसका जो मेन जो आप लोग को प्रॉब्लम है मैं उसके क्लियर कर देता हूँ, कि ये जो आप लोग बोलते हो कि विंड नॉइज जो माइक को कैसे एडजस्ट करें, बोले कैसे, आवाज़ नहीं आता है, ये वो, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे जो ये होता है ना, ये आप लोग देखते होगे, ये आपको पता है ये क्यों दिया हुआ रहता है, ये विंड नॉइज के लिए दिया हुआ रहता है। ये स्पेशली जो आवाज़ जो होता है ना, जो नीचे से आवाज़ जो आता है ना, उसके लिए रहता है। ये विंड नॉइज के लिए रहता है कि अगर आप कुछ बोलो ना तो आवाज़ नॉइज हो जाए, काफ़ी मोटा रहता है ये, ज़रा सा भी अंदर हवा नहीं आता। इसलिए माइक को आप हमेशा यहाँ पे एडजस्ट करो, ताकि यहाँ से आपका जो विंड नॉइज होता है ना वो ना आए। और ऊपर का जो ये कैप जो होता है ना, ये वाला जो कैप होता है ना यहाँ पे, जो कैप इसे एयर के लिए, इसे बंद करके रखो और माइक को नीचे रखो। और ये जो कपड़ा जो होता है ना दिया हुआ जो रहता है, ये विंड नॉइज के लिए, देखते होगे हमेशा ये माउंट लगाते हो तो ये दब जाता होगा। इसलिए आप बहुत सारे यूट्यूबर को देखते होगे वो चिन माउंट लगाते होंगे, जो चिन माउंट जो यहाँ पे जो चिपकता है, यहाँ पे जो लगता है चिन माउंट, यहाँ से देखते होगे यहाँ पे चिपक जाता है चिन माउंट, वो लगाते हैं ताकि ये जो कपड़ा दिया हुआ रहता है ना विंड नॉइज के लिए वो नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ये माउंट है तो इसका भी मैं जुगाड़ बता देता हूँ। यहाँ से आप ये हल्का सा कपड़ा को है ना, इधर से नीचे से हल्का सा यहाँ से कट करके दोनों साइड ये कपड़ा अंदर डाल के अच्छे से आप चाहो तो इसे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बजट है, अगर आप थोड़ा खर्च करना चाहते हो, तो आप चिन माउंट भी लगा सकते हो। चिन माउंट लगाने से ये है कि आपको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर लोगे, ये चिपक जाता है बिल्कुल, आराम से आप एडजस्ट करके रख सकते हो। और यहाँ पे जो ये कपड़ा है, ये कपड़ा अच्छा रहता है, इसकी वजह से ज़रा सा भी आवाज़ नहीं आता है। अगर आप लोग के बहुत सारे हेलमेट में ये नहीं रहता है, एक और हेलमेट है, मैं उस हेलमेट को दिखा देता हूँ। ये देखो ये हेलमेट, इस हेलमेट में देखो कोई भी विंड नॉइज के लिए कपड़ा वपड़ा दिया हुआ नहीं रहता है। तो ये सब हेलमेट में प्रॉब्लम है, ये सब नॉर्मल हेलमेट आता है, मैं तो इसी से करता हूँ, कभी चिल्ला के मेरे को बोलना पड़ता है, बट मैं इसी से करता हूँ। फिर भी अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर भी कर सकते हो, यहाँ से आप कपड़ा बांध सकते हो या कपड़ा से एडजस्ट कर सकते हो, ताकि अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आए। बाकी तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इस टाइप के हेलमेट लो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से आप चाहो तो इसमें छेद करके भी इसे एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप चिन माउंट भी लगा सकते हो। और माइक को हमेशा यहाँ पे रखो, ताकि आप जो भी बोलो आवाज़ अच्छे से क्लियर आए। और रही फ़ोन से मोटो ब्लॉग सेटअप, जो जितने फ़ोन से करते हैं, तो आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मैं कैसे क्लियर करूँ, तो आप लोग माइक ले सकते हो। एक माइक आता है 400 का ही तो आता है, उस माइक का मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरे को नाम उसका याद आ नहीं रहा, उस माइक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आप अच्छे से फ़ोन में मोटो ब्लॉग अगर फ़ोन से कर रहे हो तो उसमें माइक ला के आप अच्छे से एडजस्ट करके बोल सकते हो। बाकी जो लोग भी बोलते हैं कि नेक बैंड और या फिर ईयरफोन वगैरह से भी कर सकते हैं, तो वो सब उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, उतना खास उतना सही नहीं होता है। तो आप लोग एक माइक ले लो, माइक लेके अच्छे से फ़ोन में सेटअप करके लगा सकते हो। तो बाकी तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पे कि कैसे आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे माइक नीचे में रखना, ऊपर मत रखना, ताकि ऊपर से जो एयर आएगा ना तो फिर वही नॉइज का प्रॉब्लम होगा। तो इस माइक को नीचे रखना, मुँह के पास रखना, और इस कपड़े को कोशिश करना कि खुला रहे। ऐसे तो मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए लगा दिया है, नहीं तो आप यहाँ से छेद करके लगा सकते हो या तो फिर चिन माउंट लगा सकते हो। तो पूरा हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो तो कितना तगड़ा लग रहा है यार, एकदम प्रोफेशनल टाइप। और देख सकते हो इस एक्शन कैमरा से काफ़ी अच्छा सेटअप हो रखा है, और रिकॉर्डिंग अभी भी ऑन है। तो जल्दी से हम चलते हैं पहले से आगे बाइक पे, मैं आप लोग को बाइक पे जाके मैं आप लोग को कैमरा भी सब कुछ मैं दिखाता हूँ कि कैसा क्या आता है। तो चलते हैं जल्दी से आगे। तो
तो गाइज मैंने हेलमेट लगा लिया, यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब कुछ सेटअप कर रखा है, और माइक वगैरह भी आप लोग देख सकते हो नीचे में सेटअप हो रखा है, तो सब कुछ फुल सेटअप है। तो जल्दी से चलते हैं, पहले नीचे मैं नीचे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा इसका आवाज़ वगैरह सब कुछ आता है, माइक वाइक का सब कुछ आवाज़ कैसा आता है, इसका जो कैमरा भी है वो कैसा आता है, और कितना इसका एंगल भी है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैं दिखाता हूँ। जल्दी से पहले चलते हैं नीचे बैठ के, फिर मैं आप लोग को सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने सब कुछ सेट करा है, रिकॉर्डिंग ऑन है, और यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ़ोन लगा रखा है, वीडियो एडिटिंग से रिकॉर्डिंग हो रहा है, और उसका माइक का आप लोग आवाज़ भी देख सकते हो और कितना क्लियर आवाज़ आ रहा होगा, किसी तरह का नॉइज नहीं। तो अब 1500-2000 की माइक है तो उस हिसाब से तो सही है। जैसे पहले जो हमने जो माइक लिया था वो माइक काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब माइक था, तो ये माइक तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा, उसमें तो बिल्कुल भी आवाज़ ही नहीं आ रहा था। हम ऑली वगैरह ट्रिप पे गए, हमारा पूरा ट्रिप ख़राब हुआ, हम कैसे कैसे हमने वीडियो वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करा और कैसे कैसे करके हमने सब कुछ करा, तो ये माइक तो काफ़ी उससे अच्छा है। आवाज़ वगैरह भी आप लोगों को सुनाई दे रहा हो, और ये देख सकते हो कैमरा भी आप लोग देख सकते हो, कैमरा भी आ रहा है। तो जल्दी से थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा स्पीड करके मैं आप लोग से बातें करता हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि आप अच्छे से स्पीड में करके भी आप बात कर सकते हो। कैमरा भी देखो कितना वाइड एंगल भी काफ़ी अच्छा इसका है, सब कुछ इसका अच्छा है। और ड्राइक सेकेंड आप रिकॉर्डिंग मेरा ऑन है, और मैं अभी इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कितना आप लोगों पर अच्छी तरीके से देख सकते हो रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो सब कुछ कितना सही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छी तरीके से आप अच्छे से मोटर ब्लॉग इससे कर सकते हो, और तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गेमर हो, कम बजट में अगर आपको एक्शन कैमरा चाहिए तो ऐसे कैमरा काफ़ी सही है, मैं यही आप लोग रिकमेंड करता हूँ। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके बताओ कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो या फिर इसकी जो पेटिंग वगैरह होती है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, आपको कमेंट करके बताओ तो आप लोग करते हैं अच्छा लगे, और आवाज़ वगैरह आप लोगों को कैसा आया भी हो। गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन या अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताओ, तो मैं उसके ऊपर भी ये वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, और जी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मेरा फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, यहाँ पर भी और एक साइड से मेरी आईडी आ रही होगी, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, आप लोग हम मेरे को डीएम कर सकते हो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आप लोग को बताऊँगा। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है यार, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करो गाइज अपने भाई को यार, अकेले सब कुछ करना ईजी नहीं है, काफ़ी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो पे अपना प्यार सपोर्ट दिखाओ यार। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था पिछले वीडियो में, कंप्लीट मोटो ब्लॉग सेटअप करके जो मैंने डाला था, इस वीडियो में मैं उससे भी ज़्यादा आप लोग से प्यार और सपोर्ट चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहो, लव यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।